हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और रात के तकरीबन 9:30 हो रहे हैं और इस वक्त ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। हालांकि मेरा कोई मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी और बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन था, इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। जैसे कि कुछ दिनों पहले मैंने तकरीबन रात के 12 बजे रैंसम अटैक पे मैंने वीडियो बनाई थी, तो कुछ वैसा ही सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। और एक खबर फैल रही है बहुत ज़्यादा। मुझे जस्ट थोड़ी देर पहले ही मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया, जो 777-888-999 का जो नंबर है, आप तक भी अब तक पहुंच गया होगा। तो ये खबर आई है कि 777-888-999 इज़ अ किलर नंबर, और अगर उससे आपको फ़ोन आता है और आप उससे उठाते हैं तो देन योर फ़ोन विल बी ब्लास्टिंग लाइक अ बॉम्ब, और जो भी इस फ़ोन को उठाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। तो क्या सच है ये, और वाकई में ये सच है कि नहीं है, तो उसके ऊपर ही बात करेंगे। और बहुत बेसिक चीज़ों से शुरुआत करूँगा और बहुत ही बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। कई सारे मैंने देखे वीडियोस अभी आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आपको बता दो दोस्तों, कई लोगों को मैंने न्यूज़ रिपोर्टर की तरह काम करते देखा। इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं। भाई मेरे, क्या सोचना किसी का? जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई गेस वो 10th तो पास होंगे, एटलीस्ट 10th क्लास तो आपने पास किया है ना। तो जब 10th क्लास आप पास कर चुके हैं, तो एक चैप्टर थी हमारे बुक में, अगर आपको याद होगा तो साइंस के बुक में आपको 10th क्लास में लास्ट सबसे जो चैप्टर है वो टेलीकम्युनिकेशन का एक चैप्टर है, एंड उसमें जो सबसे लास्ट टॉपिक है आई गेस, उसमें टेलीकम्युनिकेशन में कैसे इंफॉर्मेशन नहीं, लास्ट टॉपिक में टेलीविज़न आई गेस, लेकिन एक टॉपिक है जिसमें आपको कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो वो आपको वहाँ पर पढ़ाया गया है। तो जिन लोगों ने भी वो पढ़ा है और जिन लोगों ने भी समझा है और जिन लोगों ने भी 10th पास किया है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस न्यूज़ को इतना ज़्यादा मतलब हाईलाइट करने की आवश्यकता थी या उन्हें ये ज़रूरत थी कि वो इसके ऊपर इतना ज़्यादा सोचे और परेशान हो जाए। तो उसी चीज़ को मैं वापस आपके सामने रखूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात आप एक सिंपल से समझ लीजिए, जो ये नंबर है 777-888-999 इज़ अ 9 डिजिट नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारे चैनल ये बात कहते हैं, इट्स ओके। तो 777-888-999 9 डिजिट नंबर है, तो इससे आपको नॉर्मल कॉल्स आएंगे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10 डिजिट नंबर तो होना ही चाहिए। ये बिना 10 डिजिट नंबर के सिर्फ एक हैम है, जो आप लोगों ने पुलिस वगैरह को इस्तेमाल करते देखा होगा, वायरलेस सिस्टम, वॉकी टॉकी टाइप, तो सिर्फ एक हैम है जिससे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, बट हैम का यूज़ करके कभी भी आप नंबर डायल नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, ये आप नहीं कर सकते, 9 डिजिट से आपको इंडिया के अंदर तो कॉल नहीं आ सकता, ठीक है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ 8 डिजिट का भी नंबर एग्जिस्ट करता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन है शायद से, तो ऐसे है जहाँ 8 डिजिट का नंबर भी एग्जिस्ट करता है। तो चलो ठीक है यार, फॉरेन से मुझे कॉल आ जाता है, फॉरेन नंबर है, वायरस वायरस करके फैला हुआ है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, एक इम्पॉर्टेंट सी बात, कि कोई भी वायरस जो है कॉल के थ्रू, जनरली 99% बींग एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टूडेंट, बींग अ सॉफ्टवेयर, बींग अ कंप्यूटर आईटी स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ कि कोई भी एक जो वायरस है वो कॉल के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, 99% केसेस में नहीं हो सकता। बहुत ही हाई लेवल थ्रेट है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया हुआ है, देन देर इज़ ए पॉसिबिलिटी, ऐसे चांसेस नहीं है। तो आप तो 99% श्योर रहो कि कॉल के थ्रू आपके फ़ोन में कोई वायरस नहीं आने वाला। अब सबसे बड़ी बात आती है जब ये कि चलो किसी ने मुझे कॉल किया, फॉरेन का नंबर है, विदेश का नंबर है, मुझे आ गया है कॉल। तो सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, ये जो जितने भी नंबर आप देख रहे हैं, ये नंबर, ये हाइक जो था तकरीबन 2 साल या 1 साल, 1 साल पहले शायद से उठा था और फिर से ये वापस क्रिएट हो रहा है। तो ये आप जान लो पहली बात कि अगर किसी ने आपको कॉल किया है फॉरेन से, तो उसका कुछ तो कंट्री कोड होगा। बिना कंट्री, देखिए जब भी कॉल हमें आता है, इंटरनेशनल कॉल्स होते हैं, नेशनल कॉल की तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, आपके आपको आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये 9 डिजिट का नंबर ही आपने देख रखा है। तो अगर इंटरनेशनल कॉल आपको आती है, तो सबसे पहले एक इंटरनेशनल कॉल सिस्टम होता है, ठीक है, उसके थ्रू कॉल को पास होना होता है। आपको पता है कि ये फ़ोन है, एक सेंडर है जिसने कॉल किया, ये आप रिसीवर हो, और बीच में
एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी जैसे एयरटेल, आइडिया, ये सब काम करती है। आप यहाँ से कॉल करते हो, यहाँ पर कॉल जाता है, प्रोसेस होता है खप की तरह, देन आफ्टर आपको कॉल पहुँचता है। प्रोसेस काफ़ी लंबी है, अगर डेप्थ में जाए, यहाँ से गया सैटेलाइट वेटेलाइट ये सब नहीं जाना, बस एक सिंपल सा प्रोसेस ये है। लेकिन जब एक इंटरनेशनल कॉल होती है, तो इंटरनेशनल कॉल में ऐसे बीच वाले मेडिएटर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपने कभी अगर इंटरनेशनल कॉल किया होगा, तो आप जब भी कॉल करते हैं तो एक ऑप्शन आता है आपको एक कॉल पे सुनाई देता होगा कि यू आर डायलिंग अ फॉरेन इंटरनेशनल नंबर, सो वी आर कनेक्टिंग योर कॉल टू द फलाना, ऐसा कुछ करके आता है। तो चलिए ऐसा है कि आप जब एक इंटरनेशनल कॉल करते हैं, तो उस केस में आपको बहुत सारे ऐसे मल्टीपल मेडिएटर्स के थ्रू गुजरना होता है। तो दोस्तों पहली बात आप जान लीजिए कि जहाँ भी ये मल्टीपल मीडिएटर्स होते हैं और जब भी इंटरनेशनल कॉल होता है, तो उसे काफ़ी हाई सिक्योरिटी के थ्रू गुजरना होता है। तो नॉर्मली आप अगर किसी को भी इंटरनेशनल कॉल करते हैं, तो वो इतने सिंपली डायरेक्टली एक इंडियन टेली कम्युनिकेशन की तरह यहाँ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कर लिया, ऐसा होता नहीं है। तो इस केस में भी कोई भी एक ऐसा यूनिक सा नंबर है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या अगर चलो एग्जिस्ट कर रहा है, मान लिया अफवाहों की बात, तो एग्जिस्ट कर रहा है और ऐसा कुछ यूनिक है, उसे इतनी आसानी से किसी को भी ट्रांसफर, वो भी मास कम्युनिकेशन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से। तो यार आईटी वर्ल्ड में रहते हुए इतना स्मार्ट यूज़र, इतने इंटरनेट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के बाद, मुझे नहीं लगता कि आपको हमको घबराना चाहिए। और जो लोग भी ऐसा हाइप क्रिएट कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा समझ ले अपने बात को कि ऐसा कुछ है नहीं, और इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो दोस्तों बस इतना ही था आपके साथ शेयर करना। तो आप घबराएं नहीं, टेंशन मत ले किसी भी तरीके की, ये एक तरीके की हाइपोथेटिकल सोच है बस, और कुछ है नहीं। और पता नहीं क्या एक चल रहा है ट्रेंड कि जो फेसबुक पे आ गया वो गीता और कुरान हो गया, वो बिल्कुल सही है भाई, ऐसा कुछ नहीं है यार। यहाँ पर लोग टाइम पास बहुत ज़्यादा करते हैं, एक मैसेज क्रिएट नहीं, आपने आए दिन आपके फ़ोन में मैसेज आता हो, आपको इनकी कसम आपको ये मैसेज फॉरवर्ड करना है। पर दोस्तों आप एक चीज़ जान लो यार, ऐसे फन के लिए सारी चीज़ें सही है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। सो एंजॉय कीजिए, रात काफ़ी हो चुकी है, सीरियल देखिए, मैच का मज़ा लीजिए, आईपीएल चल रही है, और इस तरह की टेंशन और फालतू चीज़ों में ना फंसे। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।